नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। प्रेम मिलन, एक प्राचीन प्रेम कथा, भाग दो। अगले दिन सुबह सारे राजकुमारी के नौकरों ने बहुत सारे पान के पत्तों को पाया और उसे खाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने जब यह देखा तो उनसे पूछा कि तुम सब ने यह पान कहाँ से कहाँ पर पाया। उन सब ने जवाब दिया कि हमने इसे आपके बिस्तर के पास पाया है। कोई भी यह नहीं जानता था कि राजकुमार सूर्या रात्रि में यहाँ आया था और उसने ही यह पान के पत्ते यहाँ पर रखा था। सुबह होते ही वह वृद्ध औरत सूर्या के पास आई और उसने कहा कि अब सुबह हो चुकी है और तुम्हें अवश्य यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई राजा का आदमी तुम्हें यहाँ पर देख ले और मेरे लिए किसी प्रकार की मुसीबत खड़ी हो जाए। सूर्या ने कहा, प्रिय चाची, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कल सुबह तक और यहाँ रहने के लिए इजाज़त दे दो। उस वृद्ध औरत ने कहा कि अच्छा ठीक है, और फिर उन दोनों ने अपना भोजन किया जो थैले ने दिया और पानी पिया जो कटोरे ने उपलब्ध किया उनके लिए। और जब रात्रि हुई फिर राजकुमारी उठी और अपने तैयार होकर अपने महल के छत पर जाकर बैठ गई। और ठीक रात्रि के 12 बजे जब सभी लोग अपने बिस्तर पर जाकर गहरी निद्रा में सो गए, फिर राजकुमारी अपने महल की छत से कमरे में आ गई। अपने बिस्तर पर पड़ते ही गहरी निद्रा के आगोश में समा गई। राजकुमार अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और वह बिस्तर से एक बार फिर राजकुमारी के महल के कमरे में चलने के लिए आदेश देता है और बिस्तर तत्काल सूर्या को लेकर राजकुमारी के सोने के कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर सूर्या ने अपना थैला निकाला और थैले से उसने एक बहुमूल्य सुंदर साल की मांग की, जिसको थैले ने तुरंत पूरा किया और सूर्या ने उस बहुमूल्य साल को राजकुमारी के ऊपर फैला दिया जो उस समय गहरी निद्रा में सो रही थी। और फिर सूर्या अपने बिस्तर पर बैठकर उस वृद्ध औरत के घर में वापिस आ गया। सुबह होने पर जब राजकुमारी ने बहुमूल्य साल को अपने ऊपर देखा तो वह बहुत आनंदित हुई। उसने अपनी माँ को पुकार कर के कहा, देखो माँ, यह बहुमूल्य साल परमेश्वर ने मुझे दिया है, यह साल बहुत खूबसूरत है। उसकी माँ भी बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने कहा, अवश्य मेरी बच्ची, परमेश्वर ने ही इस शानदार और बहुमूल्य साल को तुम्हें दिया है। जब सुबह हुई, इधर वृद्ध औरत ने फिर सूर्या के पास पहुंचकर कहा कि अब तुम्हें यहाँ से सच में निकलना चाहिए। सूर्या ने कहा, चाची, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिन और यहाँ पर ठहरने के लिए अनुमति दे दो, मैं आपके घर में छिप कर रहूँगा जिससे कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। इस तरह से उस औरत ने सूर्या को वहाँ कुछ एक दिन और रहने के लिए इजाज़त दे दिया।
जब फिर रात्रि आई तो राजकुमारी ने सुंदर और बहुमूल्य आकर्षण वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने महल के छत पर आकर बैठ गई और मध्यरात्रि में वह पुनः अपने महल के कमरे में वापिस आई और बिस्तर पर पड़ते ही गहरी निद्रा में चली गई। फिर सूर्या अपने बिस्तर पर उठकर बैठा और बिस्तर से कहा कि वह उसे राजकुमारी के कमरे में पहुंचा दे। ऐसा ही हुआ। बिस्तर उड़ते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। जब वह राजकुमारी के कमरे में पहुंचा तो उसने अपने थैले से कहा कि मुझे एक बहुमूल्य सुंदर हीरे की जड़ी अंगूठी चाहिए। थैले ने ऐसा ही किया और उसके लिए एक बहुमूल्य अंगूठी उपस्थित कर दिया, जिसको सूर्या ने सोती हुई राजकुमारी के उंगली में प्रेम और सहजता के साथ पहनाने लगा। लेकिन सूर्या के हाथों के स्पर्श मात्र से राजकुमारी की नींद खुल गई और इसके साथ ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी अत्यधिक भयभीत हो गई और उसने सूर्या से कहा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से मेरे कमरे में इस तरह से क्यों आए हो। राजकुमार सूर्या ने कहा, डरो मत, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक महान राजा का पुत्र हूँ। सरवन नामक तोते से आपके बारे में मैंने सुना था, और जो जंगल में रहता है, जहाँ पर मैं शिकार खेलने के लिए गया था, उसने आपका नाम मुझे बताया, इसलिए मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुमसे मिलने और देखने के लिए आया हूँ। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि तुम एक महान राजा के पुत्र हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे बारे में अपने माता पिता से कहूंगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार सूर्या अपने बिस्तर पर सवार होकर वृद्ध औरत के घर में वापिस आ गया और जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपनी माँ से कहा, रात्रि के समय में राजकुमार सूर्या के आने की बात को, और इस बात को राजकुमारी की माँ ने अपने ब्रह्मपुर देश के राजा को बताई, जो उस राजकुमारी का पिता था। ब्रह्मपुर देश के राजा ने कहा, अच्छा है, लेकिन यदि वह किसी देश के राजा का पुत्र है और मेरी पुत्री से विवाह करना चाहता है तो पहले उसे मेरी जो भी शर्त होगी उसको पूरा करना होगा, और यदि उसमें वह असफल होता है तो मैं उसको मार दूंगा। मैं उसे 800 किलो सरसों के दाने दूंगा, जिसको पेर कर उसमें से तेल निकालना होगा, और यह कार्य केवल एक दिन में पूरा करना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो वह निश्चित रूप से मृत्यु को उपलब्ध होगा। सुबह होते ही सूर्या ने उस वृद्ध औरत से कहा, जिसके घर में वह रहता था, कि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, जिसके लिए वह उद्दत है। उस वृद्ध औरत ने कहा, ओह, तुम तुरंत इस देश से बाहर भाग जाओ और राजकुमारी से विवाह करने की बात मत सोचो, इसको अपने दिमाग से निकाल दो, अन्यथा तुमको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यहाँ पर तुमसे पहले बहुत से बड़े बड़े राजा और उसके पुत्र राजकुमारी से विवाह करने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचा है, सबको
राजकुमारी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया है। वह कहता है कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है उसे पहले उसकी शर्तों को पूरा करना होगा, और आज तक उसकी शर्त को पूरा करने वाला कोई राजा या राजा का पुत्र नहीं हुआ है। जिसने भी प्रयास किया है वह असफल रहा है, और इस तरह से सबको मृत्यु ही मिली है। यही तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने ऐसा करने का प्रयास किया। इसलिए तुम इस देश से जल्दी भाग जाओ। लेकिन सूर्या ने उस औरत की एक भी बात को नहीं सुनी। ब्रह्मपुरा के राजा ने अपने आदमियों को उस वृद्ध औरत के घर पर भेजा और राजकुमारी सूर्या को दरबार में हाजिर होने का सम्मान दिया गया, जहां पर राजा ने सूर्या को 800 किलो सरसों के दाने दिए और कहा कि आज शाम तक इसको पेर कर इसमें से तेल निकालकर कल प्रातःकाल मेरे पास दरबार में तेल लेकर आना। जो भी मेरी पुत्री और ब्रह्मपुरा की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है उसे मेरी इन शर्तों को पहले पूरा करना पड़ता है। तुम्हें पहले वह सब करना होगा जिसको मैं कह रहा हूँ। अगर जो मेरे कार्य को करने में असमर्थ होता है उसे मैं मार देता हूँ, और यदि तुम भी उन्हीं में से निकले जो मेरा कार्य यानी इन सरसों के दाने से तेल निकालने में असमर्थ सिद्ध हुए हैं तो तुमको भी मार दिया जाएगा। यह सुनकर सूर्या बहुत दुखी हुआ। जब उसने यह सुना कि वह कैसे इन सरसों के दानों से तेल निकाल सकता है, उसने अपने आप से कहा, अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ होता हूँ फिर राजा मुझे मार देगा। इसलिए वह सरसों के दानों को लेकर उस वृद्ध औरत के घर वापस आया, और वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में उसे चींटियों के राजा का स्मरण आया। तत्काल चींटियों का राजा अपनी चींटियों के साथ सूर्या के सामने उपस्थित हो गया, और चींटियों के राजा ने सूर्या से कहा, आखिर तुम इतने अधिक उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा राजकुमार ने सरसों के दानों की तरफ इशारे करते हुए कहा, राजा की शर्त को चींटियों के राजा को बताया, मैं कैसे एक दिन में इन दानों से तेल निकाल सकता हूँ, और कल सुबह दरबार में मैं तेल ले कर नहीं गया तो राजा मेरी हत्या कर देगा। चींटियों के राजा ने कहा, सदा प्रसन्न रहो, बिस्तर पर लेट कर सो जाओ, हम तुम्हारे लिए यह कार्य कर देंगे। हम सभी दानों से आज दिन के अंत तक तेल निकाल देंगे, और कल सुबह तुम इस तेल को लेकर राजा के दरबार में जाना। सूर्या अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया, और चींटियों ने सभी सरसों के दानों को पैर कर उनसे बाहर तेल को निकाल दिया। सूर्या की सुबह जब नींद खुली तब वह अपने पास सामने सरसों के दानों से निकले तेल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन सुबह उसने अपने साथ सरसों का तेल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, लेकिन राजा ने कहा, तुम मेरी पुत्री से अभी विवाह नहीं कर सकते हो।
अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दो दैत्यों से लड़ना होगा और उनकी हत्या करनी होगी। राजा ने बहुत समय पहले दो दैत्यों को पकड़ा था और फिर वह नहीं जानता था कि वह उनके साथ क्या करे, इसलिए उसने उन दैत्यों को अपने जेल के पिंजरा में कैद कर दिया था। उसे भय था कि यदि वह इन दैत्यों को बाहर अपने देश में छोड़ता है तो वह उसके देश के लोगों को खा जाएंगे, और वह नहीं जानता था कि वह इन दैत्यों को कैसे मारा जा सकता है। इस तरह से जो सभी राजा और राजकुमार ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, उन्होंने इन दैत्यों से लड़ाई की थी और सभी उन दैत्यों की लड़ाई में परास्त हुए और अपनी जान से हाथ अकाल समय में उठाया। तुम्हें भी इन दैत्यों से लड़ना होगा और उनको मारना होगा। जब सूर्या ने उन दैत्यों के बारे में सुना तो वह स्वतः बहुत दुखी हुआ। मैं क्या कर सकता हूँ, उसने विचार किया। उसने अपने आप से कहा, मैं कैसे इन दो दैत्यों से लड़ सकता हूँ। फिर उसने अपने बाघों और उसकी पत्नी के बारे में सोचा। ऐसा करते ही उसके सामने वह बाघ अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हुआ और उसने कहा, तुम इतने अधिक उदास क्यों दिख रहे हो। सूर्या ने उत्तर दिया कि राजा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं उनके दो दैत्यों से लड़कर उनकी हत्या कर दूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बाघ ने कहा, तुम्हें ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सदा प्रसन्न रहो, मैं और मेरी पत्नी उन दो दैत्यों से लड़ेंगे तुम्हारे लिए। फिर सूर्या ने अपने जादुई थैले से दो सुंदर और कीमती सोने चांदी हीरों से जड़ित लबादा बाघों को पहनने के लिए मांगा और वह तुरंत थैले ने उपस्थित कर दिया। उन लबादों को सूर्या ने बाघों को पहनाया और अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा कि यह मेरे बाघ तुम्हारे दो दैत्यों से लड़ेंगे मेरी तरफ से। यह ठीक है, राजा ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने दैत्यों को मारा है या दैत्यों ने इनको मार दिया। फिर राजा ने अपने दैत्यों को बुलाया। सूर्या ने अपने बाघों को दैत्यों को मारने के लिए ललकारा और दैत्यों और बाघों में लड़ाई शुरू हो गई और लंबे समय तक चलती रही और अंत में बाघों ने दैत्यों को मार दिया। राजा ने कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए कुछ और भी करना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी पुत्री को दे सकता हूँ। ऊपर आकाश में मैंने एक नगाड़ा स्थापित कर रखा है, तुम वहाँ जाओ और उन्हें बजाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सूर्या ने अपने जादुई बिस्तर के बारे में सोचा, इसलिए वह उस वृद्ध औरत के घर गया और अपने बिस्तर पर बैठकर कहा कि ऊपर आकाश में ले चलो, जहाँ पर राजा ने नगाड़ा को लगा रखा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिस्तर सूर्या को लेकर आकाश में उड़ने लगा और उस नगाड़े के पास जाकर स्थित हो गया, जो राजा ने आकाश में
स्थित किया था और सूर्या ने उस नगाड़े को बजाया जिसको राजा ने सुना। और जब सूर्या आकाश से नीचे आया, राजा ने अपनी पुत्री को उसको नहीं दिया। राजा ने कहा कि तुमने सभी कार्यों को पूरा कर दिया है, अभी एक और कार्य करना है, इसके बाद ही तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करने का मौका मिल सकता है। सूर्या ने कहा कि यदि मेरे लिए संभव हुआ तो मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब राजा ने अपने दरबार के पास ही पड़े एक बहुत बड़े वृक्ष के तने को दिखाया जो बहुत मोटा और तगड़ा था। उसने सूर्या को एक मोम की कुल्हाड़ी दी और कहा कि तुम कल सुबह अवश्य इस मोम के कुल्हाड़ी से इस मोटे तगड़े तने को दो टुकड़ों में करना है। सूर्या वापस उस वृद्ध औरत के घर पर गया। वह बहुत दुखी और उदास था और विचार कर रहा था कि अब राजा निश्चित ही उसकी हत्या कर देगा। मैंने उसके सरसों के दानों से तेल निकाल दिया चींटियों के द्वारा, और मैंने उसके दैत्यों को बाघों के द्वारा मरवा दिया, और मेरे बिस्तर ने मेरी सहायता की जिससे उसके आकाश में स्थापित नगाड़े को भी बजा दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इस मोम के कुल्हाड़ी से विशाल तने को कैसे काट सकता हूं? उसी रात्रि में वह अपने बिस्तर पर बैठकर राजकुमारी से अंतिम बार मिलने के लिए राजकुमारी के कमरे में गया और राजकुमारी से सूर्या ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कल सुबह मुझे मार देंगे। राजकुमारी ने कहा, क्यों? सूर्या ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक मोम की कुल्हाड़ी दिया है और कहा है कि इससे एक विशाल मोटे लकड़ी के तने को काट कर दो टुकड़े कर दो। यह मेरे लिए कैसे संभव है? राजकुमारी ने कहा, इसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। तुम वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ, और तुम उस विशाल लकड़ी के मोटे तने को आसानी से दो टुकड़े करने में सफल होगे। फिर राजकुमारी ने अपने बाल के जूड़े में से एक बाल को उखाड़ा और इसको सूर्या को देते हुए कहा, जब कोई भी तुम्हारे पास नहीं हो और तुम अकेले हो तो केवल इतना उस वृक्ष के विशाल तने से कहना कि ब्रह्मपुर देश की राजकुमारी ने तुमको आदेश दिया है कि तुम इस बाल के द्वारा अपने आप को दो टुकड़ों में विभक्त कर लो और फिर बाल को खींचकर नीचे मोम की कुल्हाड़ी के किनारे धार की तरह से उपयोग करना। अगले दिन सुबह सूर्या ने वही किया जैसा करने के लिए राजकुमारी ने उससे कहा था, और एक ही मिनट में जैसे बाल को मोम की कुल्हाड़ी के धार पर खींच कर रखा गया और वृक्ष की तना को छुआ गया, तत्काल वृक्ष दो टुकड़ों में अपने आप को विभक्त कर लिया। राजा ने कहा कि अब तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। फिर सूर्या और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और चारों तरफ देशों के राजा को आमंत्रित किया गया विवाह में सम्मिलित होने के लिए, और इसके साथ वहां बहुत अधिक प्रसन्नता और आनंद का उत्सव मनाया गया। इसके कुछ दिनों के बाद
सूर्या ने अपनी पत्नी ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी से कहा कि हमें अपने देश में अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। ब्रह्मपुरा देश की राजकुमारी के पिता ने उसको काफ़ी मात्रा में ऊंट और घोड़ों के साथ काफ़ी मात्रा में रुपया देकर अपने कुछ वफादार सेवकों के साथ अपने देश से विदा किया और फिर सूर्या अपनी पत्नी के साथ अपने देश के लिए यात्रा किया और अपने देश में पहुंचकर वे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। सूर्या हमेशा अपने साथ अपने कीमती वस्तुओं को रखता था, जिसमें उसका प्रिय जादुई थैला, जादुई कटोरा और जादुई बिस्तर। उसके जीवन में कभी भी युद्ध का समय नहीं आया जहां पर वह अपनी छड़ी और रस्सी का प्रयोग करता, इसलिए उनकी कभी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संपूर्ण। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।